ये है राज कपूर जी का आरके स्टूडियो, जो कि 72 साल पुराना है, और इसी स्टूडियो में कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि राम तेरी गंगा मैली, जिस देश में गंगा बहती है, और बरसात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं राज कपूर जी का यानी कपूर खानदान का आरके स्टूडियो कहां पर है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो आरके स्टूडियो है ना, उसको राज कपूर जी ने सन 1948 में बनवाया था, और उस स्टूडियो में सबसे पहले जो मूवी थी वो रिलीज हुई थी आग, जिसमें राज कपूर जी और नरगिस दत्त जी थे। आपको अभी हम जब राज कपूर जी के उस आरके स्टूडियो के पास ले चलेंगे, तो वहाँ पे आपको एक लोगो दिखाई देगा, वो लोगो बरसात मूवी का है, जिस बरसात में मूवी में एक सीन था, उसमें नरगिस दत्त जी और राज कपूर जी थे। तो आपको बता दें कि 16 सितंबर सन 2017 को उस स्टूडियो में आग लग गई थी, और उसके बाद यहाँ पर उस स्टूडियो को बेच दिया गया गोदरेज कंपनी को। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उस आरके स्टूडियो का पूरा टूर कराने वाले हैं। अभी वो स्टूडियो कैसा दिख रहा है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे। आपको बता दें कि वो जो स्टूडियो है ना, कपूर खानदान, वहीं से कहते हैं लोग ना कि एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना, वहीं से उनको कामयाबी मिली है। तो चलिए अब चलते हैं आरके स्टूडियो की तरफ और आपको पूरा एक्सप्लोर करके अच्छे से दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आरके स्टूडियो के गेट के सामने, जो कि चेंबूर में है। आप लोग वहां देख सकते हैं लिखा भी है आरके फिल्म्स एंड स्टूडियो चेंबूर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी स्टूडियो के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जितने भी पहले के पुराने एक्टर्स थे वो अपनी लाइफ जर्नी यहीं से स्टार्ट किए थे, और यहाँ पर बहुत ही हिट मूवी का शूटिंग किया गया है, जो कि काफ़ी सुपर हिट रही हैं। नरगिस दत्त हो, सुनील दत्त हो, शशि कपूर हो, या कोई भी एक्टर रहा हो, यहीं से अपनी जिंदगी स्टार्ट किया है। तो चलिए थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसको कब बनाया गया, इसमें कौन कौन सी मूवी की शूटिंग की गई, और अब इस स्टूडियो को क्यों बेचा गया है, सब कुछ जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, आज़ादी के एक साल बाद ही बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर जी ने ये स्टूडियो 1948 में बनवाया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गोदरेज कंपनी को बेचा गया है, और यहाँ पर उसका नाम भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि राज कपूर के लिए स्टूडियो सिर्फ चार दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उनके लिए एक मंदिर था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की कामयाबी यहीं से पाई है। दोस्तों, उनको इस स्टूडियो के लिए ज़मीन कहाँ से मिली, उन्होंने इस पर स्टूडियो कैसे बनाया, इसके भी बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर देखिए, जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये अब यहाँ पर नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, सब कुछ बताऊंगा। आपको बता दें कि 1946 में आई फिल्म वाल्मीकि में राज कपूर ने नारद मुनि का किरदार निभाया था। इस फिल्म को भालजी पेंडारकर ने निर्देशित किया था। वह कपूर खानदान के बेहद करीब थे, जिसकी वजह से सब उन्हें मामा जी बुलाते थे। जब उन्होंने फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए राज कपूर को पैसे देने चाहे, तो उनके पिता पृथ्वी राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया, मगर भालजी राज कपूर को कुछ न कुछ तो देना ही चाहते थे, और उन्होंने चेंबूर में कुछ ज़मीन का टुकड़ा उनके नाम कर दिया, जहां पर उन्होंने आरके स्टूडियो बनवाया। फिलहाल अभी जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, यही बिल्डिंग अब आरके स्टूडियो के जगह पर गोदरेज कंपनी बनवा रही है। इस स्टूडियो में सबसे पहले फिल्म आग 1948 से राज कपूर ने निर्देशक की कुर्सी संभाली, मगर फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। मगर 1949 में आई बरसात ने नाम और पैसा दोनों कमाया, जिसने आरके फिल्म्स को खड़ा करने में मदद की। इस फिल्म के बाद राज कपूर अपना एक स्टूडियो खोलना चाहते थे, तब भालजी पेंडारकर द्वारा भेंट की गई जमीन आरके स्टूडियो बनाने के काम आ गई। इस स्टूडियो में करीब 21 से लेकर 30 फिल्मों की शूटिंग की गई है, जो कि ज़बरदस्त फिल्में साबित हुई हैं।
1988 में राज कपूर अपने पीछे आरके स्टूडियो के रूप में एक ऐसी बेमिसाल विरासत छोड़ गए जिसने न जाने कितने कलाकारों निर्देशकों के जीवन को ही बदल दिया। 70 साल 7 दशकों तक सिनेमा का यह मंदिर मुंबई और लोगों में फड़कता रहा। और इतना ही नहीं, जब यहाँ पर होली का त्यौहार होता था या कोई भी त्यौहार, तो सभी निर्देशक और जितने भी एक्टर कलाकार लोग थे वो आरके स्टूडियो में आके ही राज कपूर के साथ होलियाँ खेलते थे और ढोलक वगैरह बजाते थे। मतलब उनका पूरा दिन यहीं पर बीतता था। अपने स्टूडियो में बनी हर फिल्म उनके लिए इतनी खास और करीब थी कि उन्होंने अपने फिल्मों के कलाकारों द्वारा पहनी जाने वाली हर पोशाक को एक अलग कमरे में सुरक्षित रखा हुआ था। यही नहीं, उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल की गई कुछ आइकॉनिक चीज़ों को भी सहेज कर रखा हुआ था, जैसे जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से, और डफली, श्री 420, जूते और कोट, या फिर फिल्म मेरा नाम जोकर की डाल। दुर्भाग्य से 2017 में स्टूडियो में इतनी भयानक आग लग गई थी कि उसमें कई सारी यादें जल गई थी, जिसके बाद 2018 में कपूर खानदान ने वित्तीय घाटों के चलते स्टूडियो को बेचने का फैसला कर दिया। राज कपूर जी की मृत्यु 1988 में ही हो गई थी। उन्होंने कहा था अपने बेटे रणधीर कपूर से कि जब हम इस दुनिया को अलविदा कहें तो हमें आखिरी बार हमारे आरके स्टूडियो में ज़रूर घुमा देना। तो ये एक बहुत ही बड़ा इतिहास है आरके स्टूडियो का। ये पूरा का पूरा जितना स्पेस है ये 2.20 एकड़ में फैला हुआ है। और आरके स्टूडियो को, जहाँ पर पहले आरके स्टूडियो था, उसको गोदरेज कंपनी को करीब 200 करोड़ रुपए में कपूर परिवार ने बेच दिया है। आपको बता दें, जब इस स्टूडियो में 2017 में आग लगी थी और सब कुछ जल कर खाक हो गया था, लेकिन फिर कपूर खानदान को इसको वापस सही करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और आगे बढ़ाने में, तो इसलिए उन्होंने इसको बेचने का फैसला कर लिया और गोदरेज कंपनी को बेच दिया, जो कि अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन रही है। और आपको बता दें, जब आग लग गई थी तो जितने भी एक्टर थे, कलाकार थे, वो यहाँ पर आना धीरे धीरे छोड़ दिए और उनकी पसंद अब यहाँ पर बन चुका था गोरेगांव फिल्म सिटी, वो वहाँ पर जाने लगे, तो इसलिए मजबूरी आ चुकी थी। तो लास्ट में इन्होंने इसे बेचने का फैसला कर लिया और गोदरेज कंपनी ये बिल्डिंग बनवा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन रही है। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें आरके स्टूडियो की पूरी हिस्ट्री बता दी है कि इसको कैसे बनवाया गया था, कौन बनवाया था, कौन कौन सी फिल्म यहाँ पर शूटिंग की गई थी। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। धन्यवाद।